के दिन और हम नाम मर्जी पर बातचीत करें। और इसका उपक्रम इस तरह से था कि आज नाम मर्जी के जन्मदिन को लेकर के थोड़ा सा एक हिंदी क्षेत्र में कन्फ्यूजन है, कुछ लोग आज के दिन को मानते हैं, नमस्कार रविकांत जी, और कुछ लोग मई में मानते हैं। तो इस तरह की बात हो रही थी, मैंने देवेंद्र जी को कहा कि फिर आप ये जन्मदिन वाला एपिसोड ही हटा दो इसमें से। नमस्कार नित्यानंद, शुरू कर रहे हैं बातचीत। नित्यानंद जी, नित्यानंद गायन हमें सुन रहे हैं। तो क्योंकि मेरा मानना कम से कम ये रहा है कि हमें जो हमारे जो बड़े लोग हैं जिनसे हम सीखते हैं, जिनको एक तरह का ना हमारे अपना नायक कहना चाहिए, आइकन है, तो उनको हमें रिचुअल्स में सीमित नहीं करना चाहिए। सामान्यतः तो होता क्या है कि कोई भी इस तरह के लोग हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो साहित्य है, कला है, दूसरे फील्ड है, सिनेमा है, यहाँ तक, तो एक चलन बन जाता है कि उनको जन्मदिन पर याद कर लो, उनकी पुण्यतिथि पर याद कर लो और बस दैट्स ऑल। नमस्कार तलवाड़ी। तो ये जो रिचुअल्स में उनको रिड्यूस कर देते हैं हम, मुझे लगता है इससे हमें उबरना चाहिए। और जो इस तरह के लोग हैं जो हमारे समय की चुनौतियों का, हमारे समय के सवालों के लिए हमें प्रेरित कर सकते हैं, हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं, उनको हमें बार बार और भिन्न भिन्न संदर्भों में, भिन्न भिन्न प्रसंगों में याद करने की ज़रूरत है। और नामवर जी हमारे साथ इसी तरह के व्यक्तित्व हैं कि जिनको हम अनेक अवसरों पर, अनेक प्रसंगों में, अनेक संदर्भों में याद कर सकते हैं, उन पर बात कर सकते हैं, उनसे लगातार सीख सकते हैं। तो पहली चीज़ मैं इसको ये कहना चाहूँगा, ये ठीक है कि ज़्यादातर लोग उनके जन्मदिन को आज ही देख रहे हैं और आज उस तरह से उनका स्मरण कर रहे हैं, लेकिन मैं वापस से दोहराना चाहूँगा कि हमें रिचुअल्स के उससे निकल के उसके पार देखना चाहिए, उनके पार जाना चाहिए। संगीता जी नमस्कार। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ की इसको जो हमने टॉपिक रखा है, इस पर बात हो रही थी, तो नामवर जी इस तरह के व्यक्तित्व रहे हैं जिनके अनेक पक्षों को लेकर के अनेक तरह की बातें उनके जीते जी होती रहीं, और वो इतने लोकतांत्रिक थे कि इस सब को बड़े स्वस्थ तरीके से लेते थे। नूतन गुप्ता जी नमस्कार। तो अब हम क्या उनका सब्जेक्ट रखें, इतना उनका काम है कि आप देखिए कि हमारे यहाँ ज़्यादातर काम बाहर भी, दुनिया के और देशों में भी, कला में, साहित्य में जो अधिकतम जो काम जिन लोगों का रहा है वो आधी सदी तक रहा है, 50 साल। और नामवर जी ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जो इसको पार करते हैं, इसके आगे जाते हैं, करीब और आखिरी दिनों तक सक्रिय नामवर जी रहे। तो इस तरह से देखें तो करीबन 7 दशक के आसपास तक का उनका कार्यकाल हमारे सामने फैला हुआ है। तो उसमें विषय को लेकर के बात करना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण चीज़ थी। नमस्कार सुनीता बिश्नोलिया जी। तो मैंने उनको यही सुझाव दिया, जन सरोकार मंच के देवेंद्र जोशी को, कि मैं तो इतनी सीमित बात कर सकता हूँ कि मेरे लिए एक सामान्य अध्येता के लिए, एक संस्कृति के क्षेत्र में छोटे से कार्यकर्ता के लिए नामवर जी का मतलब क्या है, मैं उन्हें कैसे देखता हूँ बड़े संक्षेप में। तो मैं अपनी बातचीत यहीं से शुरू करता हूँ कि नामवर जी को मैंने कैसे देखने की कोशिश की है। उनके, जैसा कि मैंने कहा, उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे पहलू हैं, और हर एक पक्ष इस तरह का है कि उन पर गंभीर रिसर्च हो सकता है, गंभीर काम हो सकता है, और कई क्षेत्रों में हो भी रहा है। मैं अपने को उनके 3 आयामों तक सीमित करता हूँ और उस पर फिर थोड़ी थोड़ी चर्चा आपसे करूँगा, और उसके आधार पर खुद आप इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह का ही हम एक सत्र हमारा इस तरह का इंटरेक्टिव है कि
मैं तो बस कुछ छेड़ रहा हूँ चीज़ों को। नामवर्जी के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते हैं, बस थोड़ा कुछ उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है, फिर आप खुद उस दिशा में सोचेंगे, काम करेंगे और मुझे लगता है कि प्रेरणा भी प्राप्त करेंगे। तो उनके एक रूप को हम सब जानते हैं कि वो हमारे समय के सबसे बड़े आलोचक रहे। तो एक पक्ष उनका आलोचना का पक्ष है, दूसरा पक्ष जो उनका है जिस पर कम बात होती है अपेक्षाकृत, वो पक्ष है उनका साहित्य शिक्षण का। नमस्कार ओमपाल भाई, उच्च शिक्षा में और साहित्य शिक्षा के लिए उन्होंने जो काम किया, हंसतवर जी नमस्कार, वो अभूतपूर्व है और उसको मैं आप सबकी जानकारी में इसलिए लाना चाहता हूँ कि उस पर अपेक्षाकृत कम बात हुई है। और तीसरा जो आयाम है उसको भी आप जानते हैं कि नामवर जी की सबसे ज़्यादा तारीफ उनके व्याख्यानों को लेकर के हुई, उनकी जो वक्तृत्व शैली थी उसको लेकर के हुई है कि अद्भुत वक्ता थे वो। और एक वक्ता के तौर पर जितने व्याख्यान उन्होंने दिए उसके तौर पर, और एक बड़ा काम उनका ये देखा जाता है। बहुत सारे लोग तो उनको इस आधार पर उनकी आलोचना भी करते रहे हैं कि वो लिखने से उधर चले गए, तो वो अलग मुद्दा है, उस पर हम बात करें। पर मेरा मानना है कि उसको अलग तरह देखने की ज़रूरत है, उनके इस वाले जो आस्पेक्ट को, इस पहलू को अलग तरह देखने की ज़रूरत है। और मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि जो पब्लिक स्फीयर में, जन क्षेत्र में, या आसानी के लिए कहें अंग्रेजी का शब्द है पब्लिक स्फीयर, पब्लिक स्फीयर का मतलब है जहाँ घर की सीमा समाप्त होती है, जो इस तरह की सीमाएँ जहाँ हम सब लोग मिलते हैं, है ना, जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, कहना चाहिए कि जो ऑडिटोरियम है जहाँ हमारी गोष्ठियाँ, संगोष्ठियाँ, संवाद होते हैं, पत्र पत्रिका निकलते हैं, वो जो है, और संस्थाएं हैं जो संस्कृति की, साहित्य की संस्थाएं, वो पूरा पब्लिक स्फीयर है, वो एक जन क्षेत्र है। तो जन क्षेत्र में साहित्य को प्रतिष्ठित करने में नामवर जी ने अभूतपूर्व काम किया है। तो ये मैं उनका तीसरा क्षेत्र देखता हूँ। नमस्कार आस्था, आस्था दीपाली भी हमें सुन रही हैं, आपकी जान, आपने में से ज़्यादातर लोगों ने आस्था का गायन सुना होगा। मैं आपको एक परिचय दूँ कि आस्था लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्र हैं और उन्होंने अपना स्नातक पूरा कर लिया है, वो पीजी करने जा रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रही हैं, और मैं समझता हूँ कि शायद वो साहित्य में करेंगी तो नामवर जी पे चर्चा में उनकी दिलचस्पी हो सकती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आस्था। तो ये जो है तीन आयाम उनके बनते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार मनमीत, आलोचना पक्ष पे बात करें तो आप देखेंगे कि दो तीन चीज़ें नामवर जी के साथ में आपने जुड़ी हुई सुनी होंगी। एक पॉलेमिक्स, ये कहा जाता रहा है कि नामवर जी बहुत पॉलेमिक्स करते हैं, ट्रेंड सेटर, है ना, कि नामवर जी ने कई मामलों में ट्रेंड सेट कर दिए, जैसे कि कहानी, कहानी की समीक्षा में जो नामवर जी ने ट्रेंड सेट किए, कहा यह जाता है कि कोई और आलोचक, बात का आलोचक उनका अतिक्रमण नहीं कर पाया। और कविता के मामले में इस तरह कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ों के मामले में ये कहा जाता है कि नामवर जी ने जो लाइन खींच दी तो उसको फिर क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है। तो एक ट्रेंड सेटर की एक छवि उनके साथ जुड़ी रही है। और डिप्लोमेसी कि कुछ लोग जो खासतौर से नामवर जी के आलोचक हैं, नमस्कार सोनू, वो ये मानते हैं कि नामवर जी बड़े डिप्लोमेटिक रहे हैं और वगैरह वगैरह। मैं इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि साहित्य के क्षेत्र में हम सामान्यतः इनकी बात करते हैं तो हम बहस को भटका देते हैं, कहीं ना कहीं हम जो मूल जो मुद्दे, मूल सवाल हैं उनको हम डाइल्यूट कर देते हैं। इन पर नहीं जाके मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा, जहाँ से जो नामवर जी की एक आलोचक की छवि बनती है, खड़ी होती है, वहाँ के हम शुरुआत में जाएं। एक इन पर नामवर जी पर मैं आपको बताऊँ कि तीन जो है पत्रिकाओं के अंक निकले हैं अलग अलग टाइम पर,
नामवर जी जब 60 साल के हुए तो पहल पत्रकार ने उन पर एक अंक निकाला और वो बड़ा यादगार अंक है, वो बाद में किताब की शक्ल में भी आया। जब नामवर जी 75 साल के हुए तो वसुधा पत्रकार ने उन पर अंक निकाला और वो भी बाद में किताब की शक्ल में आया। और उनके गुजरने से कुछ समय पूर्व जो है दिल्ली की एक बड़ी मशहूर पत्रिका है, उसने उन पर एक अंक निकाला पूरा और वो भी उनका यादगार अंक माना जाता है। तो जो सबसे पहला, नमस्कार आरती जी, अनिल गोस्वामी भाई नमस्कार, दीनदयाल जी नमस्कार, मैं आपको सबको देखता जा रहा हूँ, मुझे प्रसन्नता हो रही है आप लोग जुड़ते जा रहे हैं बातचीत से, कि उसमें जो अंक है पहल का, उसमें शमशेर जी ने एक बड़ा शानदार संस्मरण नामवर जी पर लिखा है और उसमें उसका शीर्षक भी उन्होंने उससे निकाला है। अकबर, वो अकबर इलाहाबादी के एक शेर को कोट करते हैं, वो शेर इस तरह से है कि हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था ना, भूलो फर्क जो है कहने वाले करने वाले में। तो उनके उनके उस लेख का शीर्षक है सैयद नामवर, और वो कहते हैं कि मैं अक्सर नामवर जी को सैयद कह के बुलाता था। तो ये जो है, और शमशेर ने जो पूरा लेख है वो उनके बहुत शुरुआती दिनों पर लिखा है, जब उन्होंने लिखना शुरू किया था। और आप देखेंगे ये बड़ा दिलचस्प एक तथ्य है कि सबसे पहले ताराचंद जी नमस्कार, सबसे पहले नामवर जी की इस मेधा को, आलोचना की इस जो एक आभा आई थी उनमें, उसको सबसे पहले पहचानने वाले व्यक्ति शमशेर जी। 1948 में नामवर जी ने जो पहला लेख लिखा आलोचनात्मक, वो तुलसीदास पर लिखा, और शमशेर ने भैरव प्रसाद गुप्त जो बहुत जाने माने कथाकार रहे, कहानियां पत्रिका के संपादक थे, और जो ज़्यादातर नए कहानीकार जिनकी बाद में प्रतिष्ठा हुई उनको पहली बार प्रकाशित करने का श्रेय ज़्यादातर को भैरव प्रसाद गुप्त को जाता है, उनसे शमशेर जी ने कहा कि हिंदी आलोचना के क्षेत्र में एक नई प्रतिभा का पदार्पण हुआ है, ये कहने वाले शमशेर जी थे। तो आप देखिए कि 1948 में अपने शुरू लेखन के शुरुआत में ही शमशेर जी जैसे व्यक्ति, शमशेर जी की तब तक एक ठीक ठाक प्रतिष्ठा हो चुकी थी, उनका सम्मान था, और वो इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं, तो वहाँ से उनका उठान शुरू होता है, वो उनकी शुरुआत है। और आप ये देखेंगे कि जब उनके बारे में, दूसरी चीज़, एक तो मैंने शमशेर जी का बताया, दूसरी चीज़ त्रिलोचन जी ने लिखी है। त्रिलोचन जी और उनका शुरू का बड़ा संग साथ था दोनों का, और नामवर जी भी आखिर तक स्वीकार करते थे। नवजोत भनोत जी नमस्कार, त्रिलोचन जी के संग साथ को त्रिलोचन जी भी करते थे, उसकी मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगा। पहली चीज़ ये बताता हूँ कि नमस्कार नवल जी, थोड़ा देर से आए आप, नवल किशोर सोनी हमारे साथ ही हैं। तो उन्होंने एक जो लिखा त्रिलोचन जी ने नामवर जी पर जो लिखा है, उसमें एक शब्द इस्तेमाल करते हैं वो, उन्होंने एक सोनेट में भी उस शब्द का इस्तेमाल किया, पुस्तक पकी आँखें। मतलब जो इतनी किताबें पढ़ते हैं नामवर जी के बारे में, एक किंवदंतियाँ हैं कि कितना, और वो चकित होते हैं, मतलब लोग चकित होते हैं कि नामवर जी कितना पढ़ते हैं, कैसे पढ़ लेते हैं सब, कहाँ से समय निकालते हैं। तो उन्होंने नाम दिया पुस्तक पकी आँखें, और ये नामवर जी के बारे में मशहूर हो गया कि ये त्रिलोचन जी ने दिया था। एक दिलचस्प चीज़ ये कि जो बाद में जो पक्ष उनका सामने उतना नहीं आ पाता, वो ये कि नामवर जी कविताएँ लिखते थे और बहुत अच्छी कविताएँ लिखी, शमशेर जी ने कई कविताओं का जिक्र किया है, और विश्वनाथ त्रिपाठी अपने एक संस्मरण में जो उन्होंने बाद में लिखा समकालीन भारतीय साहित्य में, उनका भी बड़ा मशहूर संस्मरण है वो,
उसमें उन्होंने उन कविताओं को कोट किया है, किस तरह की कविताएं थी वो मैं इस मायने में कर रहा हूँ कि वो कवि वो लोग कह रहे हैं कि नामवर जी अगर आलोचना में नहीं आते तो बहुत जाने वाने कवि होते। और उन दिनों में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, चुनाव लड़ा था और वो हार गए थे। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर वो चुनाव जीत जाते तो हिंदी साहित्य की बड़ी क्षति होती, फिर वो राजनीति में चले जाते। ममता जी प्रणाम आपको, मैं कोशिश कर रहा हूँ ममता जी, थोड़ा सा याद है मेरी उनके साथ उतनी ज़्यादा नहीं है, वो तो आप लोगों की होंगी, मैं तो जो बातें कर रहा हूँ उनके बारे में, कुछ जो बातें उनके पढ़ने से उनको समझने से थोड़ा बहुत जेहन में आ रही हैं अभी, तो एक तरह से हम उनका जो लर्निंग्स हैं, जो सीख हैं, उनको सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो कविताएं हैं, तो विष्णुचंद शर्मा उन दोनों बनारस थे, उन्होंने ये नित्यानंद गायन सुन रहे हैं, इन्होंने विष्णुचंद पर पूरा एक अंक आयोजित किया है। ये इन्होंने ये किस्से खूब सुने होंगे कि कवि पत्रिका में त्रिलोचन जी ने नामवर जी को पेश किया, प्रस्तुत किया। वहाँ उसमें क्या, कोई एक जना दूसरे कवि को प्रस्तुत करता था, उस पर एक बड़ी टिप्पणी लिखता था, और तो विष्णुचंद शर्मा की उस कवि पत्रिका में त्रिलोचन जी ने नामवर जी को प्रस्तुत किया और नामवर जी ने त्रिलोचन जी को प्रस्तुत किया अपने टिप्पणी के साथ, और त्रिलोचन जी पर वो पहला महत्वपूर्ण मूल्यांकन माना जाता है। तो ये उससे जुड़ी एक शुरुआत की चीज़ें थी। और मैं आपको बता दूं, हमारे राजस्थान के मित्र यहाँ ज़्यादा हैं कि राजस्थान से नामवर जी का बहुत गहरा रिश्ता रहा है। आप लोग ज़्यादातर जानते भी होंगे कि नामवर जी यहाँ जोधपुर विश्वविद्यालय में रहे, वो तो एक बात है, जल्दी यहाँ से चले भी गए। अच्छा, सुचेता आ गई आप, बहुत अच्छा। सुचेता चंडीगढ़ से जुड़ी है हमारे साथ। तो एक बड़ा रिश्ता राजस्थान से जुड़ता है। तब तक ये थी कि हम लोग राजस्थान वाले शायद नामवर जी को उतना जानते नहीं थे, और नामवर जी भी यहाँ लोगों को कम ही जानते होंगे। उनका पूरा रिसर्च अपभ्रंश पर है, और जो पुरानी राजस्थानी है उस भाषा पर है, और वो अब तक श्रेष्ठतम रिसर्च माना जाता है आज तक। उस पर उनकी किताब भी है पूरी, और वो किताब अपने आप में जो एकेडमिक क्षेत्र है उसमें क्लासिक का दर्जा रखती है। तो वो काम उन्होंने राजस्थान को आधार बना के किया, तो निश्चित राजस्थान की उन्होंने यात्राएं की होंगी, और वो राजस्थान वाले कोई उनको मिलते थे, कुछ बात करते थे, तो वो ज़रूर उस समय की चर्चाओं से किया करते थे। उसमें जो भाषिक परिवर्तन, संस्कृति में परिवर्तन है, उनको वो जानने की कोशिश करते थे। और एक दूसरा बड़ा काम जो उनका बाद में प्रकाशन में आया, बाद में किया उन्होंने, वो तैसितौरी पर किया। तैसितौरी बहुत बड़े संस्कृति अध्येता थे, राजस्थान से उनका बहुत गहरा नाता है, राजस्थान की जो बोलियाँ हैं उन पर उन्होंने काम किया है, संस्कृति पर काम किया है। और तैसितौरी पर नामवर जी की किताब है, जो कि बाद में किताब की शक्ल में सारा काम आया। और जोधपुर विश्वविद्यालय का किस्सा है, तो उस पर हम थोड़ा अभी आगे आएंगे। हाँ, आधा गाँव वाली बात पर अभी आगे आएंगे सतीश, वो आएंगे उनके विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम वाले मामले। तो एक जो है उनके बारे में जो आलोचना का उनका काम है, और बड़े उसके भी बहुत, क्योंकि वो एक अपने आप में नामवर जी लेजेंडरी पर्सनैलिटी हैं, जिनके जीते जी बहुत सारे किस्से बन गए थे, कि जिन व्यक्ति की कम से कम 3 किताबें अपभ्रंश वाली हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद, ये किताबें तब जब तक छप चुकी थीं, पूरे एकेडमिक हलके में उन किताबों की बड़ी पूछ थी, इसके बावजूद भी उनको काफ़ी समय तक बेरोजगार रहना पड़ा, है ना। लेकिन जिन दिनों में वो बेरोजगार थे, उन्हीं दिनों में उन्होंने 2 बड़े कामों की शुरुआत की। उस पर त्रिपाठी जी, विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने अपने संस्मरण में बड़े अच्छे से लिखा है कि जो उनके सबसे बड़े संघर्ष के दिन थे, बेकारी के दिन, जब जोधपुर विश्वविद्यालय से भी चले गए
काशी विश्वविद्यालय में थोड़े दिन रह करके चले आए, सागर से भी चले आए, है ना। और वो जो उनका JNU में आने से पहले का समय था, JNU से थोड़ा पहले वो आगरा विश्वविद्यालय के जो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जो विश्वविद्यापीठ है उसके डायरेक्टर है उस समय तक, और वो और रहते JNU से उनका बुलावा नहीं आया होता था। वो जो बीच का पीरियड है उसमें जो दो बड़े काम जिनके सिलसिले उन्होंने शुरू कर दिए थे जो बाद में सामने आए, वो एक तो उनकी कहानी वाली किताब है, कहानियों पर लिखना शुरू किया, और कविताओं पर लिखना शुरू किया जो कविता के नए प्रतिमान के रूप में सामने। तो आप देखिए कहीं भी उन्होंने उन बेकारी के बड़े कठिन दिनों में, जिस पर काशीनाथ सिंह के कई संस्मरण हैं, उन कठिन दिनों में भी जो एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द उनके बारे में कहा जाता है, ना दैन्यम ना पलायनम, है ना, उन्होंने कभी भी अपनी गरिमा को जरा भी झुकने दिया, और ना ही अपने जो साधना थी, जो राइटिंग था उस सबको, और आगे से आगे वो उसमें बढ़ते गए। तो एक पूरे उसमें आप देखेंगे कि नामवर जी की आलोचना में लगातार एक उठान है, वो लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, और बाद में जो उनकी किताब जिसको बहुत सारे लोग तो श्रेष्ठतम किताब मानते हैं, दूसरी परंपरा की खोज, है ना, वहाँ तक आप देखेंगे कि लगातार एक उनका, मुझे लगता है कि दोनों ये जो हम एक तरह से देखते रहे, उनके उठान को तो देखते हैं, पर हमें उनके पूरे जो रचनात्मक व्यक्तित्व का विकास है उसको दोनों तरह से, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरह से देखना चाहिए। इसीलिए मैं इनके तीन आयामों की बात कर रहा हूँ। तो इससे जो उनके वर्टिकल आयाम जो हैं उन पर मैं थोड़ा आगे बात करूँगा, तो हॉरिजॉन्टल की अभी ये कहानी यहाँ चलती है। और एक जो चीज़ है कि मुक्तिबोध ने जिसकी अपेक्षा की थी आलोचकों से, मुक्तिबोध के जो किताब है उनके बाद सामने आई और उसमें नामवर जी का बहुत योगदान रहा, और मुक्तिबोध को खुद को स्थापित करने में भी, मुक्तिबोध पर पहला गंभीर लेख नामवर जी का ही था, और तो वो जो है उन्होंने उनको बड़ी गंभीर, ऐसा लगता है बड़ी गंभीरता से लिया, और मुक्तिबोध ने आलोचक से बहुत अपेक्षाएं लगाई थी बड़ी शिखर, और नामवर जी ने लगातार कोशिश की कि उनको पूरा करें, लेकिन ये फॉलोअर जैसा रिश्ता नहीं है, वो कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं मुक्तिबोध को, वो अपनी तरह से खड़े हो रहे हैं, और मुक्तिबोध ने भी कोई ऐसा खड़ा इस तरह से स्थापना नहीं दी थी कोई इनका अनुकरण करे, वो एक दोनों तरह का एक स्वायत्त जो चीज़ें हैं जो एक आदर्श खड़ा करते हैं, मॉडल खड़ा करते हैं, उस तरह की चीज़ें वो नामवर जी ने लगातार करने की कोशिश की है। मैं आपको एक चीज़ उसमें से बताऊं कॉमन, जिससे आप इसको समझ सकते हैं कि मुक्तिबोध का जो किताब का एक का नाम नई कविता का आत्मसंघर्ष है, और वो एक अपने संधान की अपनी खोज की लगातार मुक्तिबोध कोशिश करते हैं, उनकी कविताओं में भी है, वो उनकी आलोचना में भी है। और नामवर जी के यहाँ आप नई कविता के प्रतिमान में देखें, वो बार बार अस्मिता की खोज की बात करते हैं, और ये अस्मिता की खोज व्यक्ति की अस्मिता से लेकर के पूरी एक सांस्कृतिक अस्मिता की खोज तक चली जाती है। ये बहुत बहुत बड़ा अपने आप में एक विस्तृत जो एक टर्म है, एक बड़ा एक सिद्धांत की खड़ी करते हैं, और लगभग लगभग आप देखेंगे कि ये जो खोज है, ये जो एक्सप्लोर करना है, अपने को एक्सप्लोर करना, तो अपने में मतलब सबको समेट के एक्सप्लोर करना, ये जो एक्सप्लोरेशन है ये लगातार नामवर जी के आखिर तक जारी रहता है। और इसीलिए जो आप देखेंगे जो बाद में अस्मिता विमर्श आया उससे जो नामवर जी की टकराहट है और जो कमोवेश आखिर तक बनी रही, उस टकराहट के पीछे कहीं ना कहीं एक ये चीज़ भी है कि उनकी जो अस्मिता की थ्योरी है वो ज़्यादा समावेशी, ज़्यादा विराट सैद्धांतिकी है, और वो उस तरह जो अस्मिता विमर्श जिस तरह टुकड़ों टुकड़ों में आया उसको उस तरह से नहीं स्वीकार कर पा रहे, एक बड़ा एक इस तरह का। अब जो उनका पूरा संदर्भ देखेंगे आप कि पश्चिम है ना, पश्चिम से आप देखिए कि उस समय का जो पश्चिम है ना, उसमें वहाँ क्या हो रहा है, दूसरा विश्व युद्ध हो के चुका है, तो वहाँ अस्तित्ववाद दर्शन आया, अस्तित्ववाद दर्शन, और उसमें हताशा, निराशा, अर्थहीनता, एक तरह का एक बड़ा एक कहना चाहिए ग्रेट डिप्रेशन,
है ना, एक बड़ा कहा भी गया इसको ग्रेट डिप्रेशन, वो काल था। और भारत में कौन सा काल था? भारत में हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, 1945 में विश्व युद्ध ख़त्म होता है, 47 में भारत आज़ाद हो जाता है। तो हमारा टेम्परामेंट, हमारे यहाँ का टेम्परामेंट और वहाँ का यूरोप का टेम्परामेंट दोनों डिफरेंट थे, दोनों भिन्न थे। और इस चीज़ को नामवर जी ने बहुत जल्दी से पकड़ दिया कि हमारा वहाँ से साम्य नहीं होगा। तो उन्होंने किस तरफ देखा, इसलिए जो पुराना, जो हम पुराने मार्क्सवादी तरीके से देखते रहे थे, उससे भी उन्होंने चीज़ों को नहीं देखा। एक इस तरह का अस्तित्ववाद जिसमें जो अज्ञे परिमल ग्रुप ये सारा खुद खड़ा हुआ था, ये इंस्पायर हो रहा था अस्तित्ववाद से, है ना। धर्मवीर भारती जी उस समय थे, उनका पहले उनके काउंटर में वो खड़े हुए, पहला दौर उनका नामवर जी की आलोचना का ये है। तो इसलिए खड़े हुए कि उन्होंने देखा कि ये हमारे भारतीय जो टेम्परामेंट है उससे इसका कोई मेल नहीं है, है ना। हम तो युद्ध जीते हैं, हम विजेते हैं, हमने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से विजय प्राप्त की है और हम नया भारत खड़ा करने की ओर बढ़े रहे हैं। तो हमारे नए भारत का एक कल्चरल विजन क्या होगा, वो इस तरफ जा रहे थे और इसलिए इन सबसे टकराते हुए आते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि वो जो हमारा पूरा जो उस समय का वामपंथी आंदोलन था वो ठहर गया था एक तरह से, वो जो बहुत शुरुआती दौर था, जो शुरुआती जो एस्थेटिक, जो मार्क्सिस्ट एस्थेटिक में जो शुरुआती चीज़ें आई थी, वहीं ठहरा हुआ था। नामवर जी ने जैसे कहा कि बहुपठित व्यक्ति थे और पूरा दुनिया का भर में जो हो रहा है उससे अपडेट रहते थे, आखिर तक रहे। तो उनकी नज़र उस समय का जो नियो मार्क्सिज्म था, नियो क्रिटिसिज्म था, नियो शब्द जो लगा हुआ है, NEO, जो नव का सूचक है, और वो हमारे यहाँ देखेंगे नई कविता नई कहानी आ रही है। तो इसलिए उन्होंने वहाँ नए को देखा और उस नए को देख करके हमारे यहाँ उन चीज़ों को लेके आए। इसलिए वो जो पारंपरिक किस्म का जो मार्क्सवाद है, मतलब मार्क्सवाद इस साहित्य में जो चला आ रहा था उसमें एक किस्म का स्टेग्नेशन, एक किस्म का ठहराव था, इसलिए वो लगातार उससे टकराई और नव को स्थापित किया। ये नव मुक्तिबोध के यहाँ भी आप पाएंगे, मुक्तिबोध का इस नएपन पर, इस पर काफ़ी सारा जोर रहता है। तो एक ये उनकी टकराहट है और इसी में आगे चल के फिर वो देखते हैं कि यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ जो परंपरा जो एक है उसमें साहित्य में कौन सी मेन स्ट्रीम क्या है, मुख्य धारा कौन सी है और मुख्य धारा में कौन सी डोमिनेटिंग जो वर्चस्वशाली परंपरा है, है ना। तो उसको उन्होंने काउंटर किया, आखिर जो दूसरी परंपरा की खोज तक आते आते उसको काउंटर किया। इसलिए उस किताब का नाम दूसरी परंपरा की खोज है। और उसमें वो किन की बात कर रहे हैं, वो पूरे जो वंचित सेक्शन हैं, वंचित तबके हैं समाज के, उन सब की बात कर रहे हैं। और उसमें कबीर आते हैं, जो कबीर बाद में इतने इतने मतलब प्रतिष्ठित हो जाते हैं और अभी तक चले आ रहे हैं, जिनको बाद में दलित साहित्य में अपनाया गया, जो और आदिवासी विमर्श, तमाम विमर्श कबीर को एक मॉडल मानते हैं। तो इसकी आप देखेंगे शुरू से, सबसे शुरुआत जो है वो नामवर जी करते हैं। आप देखिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर पर किताब लिख चुके थे, तब भी कबीर की वो जो एक जो अखिल भारतीय जो छवि नहीं बनी, जो छवि नामवर जी के बाद बनी। तो एक ये बड़ा, और उसका जो विस्तार है वो आगे चल के आप देखेंगे कि पुरुषोत्तम अग्रवाल के काम में नज़र आता है। और ये याद रखेंगे मैं उस पर अभी हम थोड़ी और बात करेंगे उस पर, पुरुषोत्तम अग्रवाल के भी जो गाइड थे रिसर्च के, वो नामवर जी थे। तो ये एक तरह का बहुत संक्षेप में मैंने एक आउटलाइन देने की कोशिश की है। अब उनके दूसरे आयाम पर हम आते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि दूसरा आयाम है उनका, जो साहित्य शिक्षा में जो उनका अवदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, जो मैंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। हिंदी की साहित्य शिक्षा की स्थिति नामवर जी से पहले क्या थी और नामवर जी के बाद क्या थी, इसको आप इसका कोई तुलनात्मक अध्ययन करें तो इन चीज़ों के बड़े आसानी से जवाब मिल जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये कि हम तमाम जो अभी भी हम में से ज़्यादातर लोग, मैं तो उससे नहीं जुड़ा हूँ विश्वविद्यालय शिक्षा से, लेकिन विश्वविद्यालय शिक्षा से जो लोग जुड़े रहें वो सामान्यतः उसका एक तरह से रुदन करते रहते हैं कि बहुत ख़राब है, बहुत स्तरहीन स्थिति है और ये सब सारा कुछ बिगड़ा हुआ है।
तो पर कभी भी उस पर ऑब्जेक्टिव जो रिव्यू है वो नहीं हुए। इस तरह के रिव्यू आना चाहिए कि उस पर किस तरह के काम हुए और जो काम हुए उनकी अब क्या स्थिति है, इसको लेकर के साहित्य और साहित्य शिक्षा में जो पहला काम ही उन्होंने ये किया कि उसको जो पढ़ाने वाला है उसको प्रतिष्ठा मिले, उसको गरिमा मिले और उसका एक मॉडल रोल मॉडल पेश किया जाए। खुद नामवर जी की जितनी एक शिक्षक के रूप में जितनी ख्याति है, उनके शिक्षक के रूप में जितने किस्से हैं, उन किस्सों में से आपको एक बताऊंगा। पर पहले जैसे आप वापस से आए कि राजस्थान में आप देखिए कि जोधपुर विश्वविद्यालय में किन्होंने बुलाया, उनको बीबी जॉन साहब ने बुलाया। जॉन साहब की कोशिश थी कि हर क्षेत्र के बेस्ट लोगों को बुलाया जाए और उन्होंने नामवर जी को बुलाया और नामवर जी को पूरी ऑटोनॉमी दी कि आप उनमें कोर्स बनाइए और तब उस कोर्स में राही मसूम रजा का आधा गांव शामिल किया गया और उसका हम सब जानते हैं कि उसका विरोध हुआ। नामवर जी ने विश्वविद्यालय छोड़ना उचित समझा, अपने उसको परिवर्तित नहीं किया, खुद परिवर्तित नहीं किया उसको। अगर वो चाहते तो ऐसा कर सकते थे लेकिन इतने वो दृढ़ थे और इस दृढ़ता को उन्होंने लगातार बनाए रखा। उच्च शिक्षा का हिंदी की उस हिंदी के साहित्य की उस शिक्षा का क्या करिकुलम हो, कौन सी उसमें टेक्स्ट बुक्स होने चाहिए, इस सब पे वो लगातार काम करते रहे। और टीचर ट्रेनिंग, मतलब टीचर को किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि हर ट्रेनिंग जैसी उस तरह की व्यवस्था तो होती नहीं, ऐसी स्कूलिंग सिस्टम में होती है, रेफरेशर कोर्स और ये होते हैं। उन्होंने रेफरेशर कोर्स, एकेडमिक जितने भी डिस्कोर्स होते थे सबकी शक्ल बदल दी और ये इस तरह के प्रयास, उनको ये सब अवसर मिले जे एन यू में जाकर। जे एन यू में उनको पूरा इस तरह का अवकाश, इस तरह की ऑटोनॉमी मिली और आप देखेंगे तब से लेकर के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जो भाषा केंद्र है उसका जो पाठ्यक्रम है, उसकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उनके जो पढ़ाने के तौर तरीके पूरे देश में नहीं विश्व स्तर के मॉडल बने हुए हैं। तो उस पर जो मैंने बताया एक संस्मरण पहल के उसी अंक में डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखा है नामवर जी पर, और संस्मरण तो बहुत बड़ा है, मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूँ। एक वृत्तांत उसका एक किस्सा जो आता है कि पुरुषोत्तम जी के एक मित्र थे पीटर डसूजा। पीटर डसूजा जे एन यू में ही कुछ और अध्ययन कर रहे थे, रोड्स स्कॉलरशिप उनको मिली थी, रोड्स स्कॉलरशिप बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के स्कॉलरशिप है, फेलोशिप, तो रोड्स फेलोशिप पर वो काम कर रहे थे और वो किसी सिलसिले में पुरुषोत्तम जी के साथ नामवर जी से मिलने गए और वहाँ जो एकेडमिक चर्चा हुई, उस चर्चा के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने पुरुषोत्तम जी को कहा, यू आर लकी टू हैव ए टीचर लाइक नामवर सिंह, कि आपका सौभाग्य है कि आपको इस तरह का नामवर जी जैसा शिक्षक मिला है। तो ये जो है एक, और इस तरह के बहुत सारे एपिसोड बाद में सुमन केसरी की पूरी किताब है जे एन यू में नामवर सिंह, उसमें तो अलग अलग लोगों ने इस तरह की चीज़ें लिखी, उन्हीं का एक संकलन है, तो इसलिए उस पर मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं जा रहा। पर एक साहित्य का शिक्षक कैसा हो, है ना, तो उनकी जिसकी मैंने बात की, खोज की, जो खोज उनके यहाँ बड़ा महत्व रखती है, तो उनका जो तरीका जो बताया जाता है, मैं उसका संक्षेप में उनका तरीका बताता हूँ, जो पढ़ाने का जो तरीका है कि वो क्वेश्चनिंग करते हैं, सवाल उठाते हैं और सवालों के जरिए कलेक्टिवली, मतलब अपने जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उन सवालों में शामिल करते हैं और सवालों की खोज में शामिल करते हैं, ये जो है उनका एक तरीका था। और इनमें जो अलग अलग अनुशासन है ज्ञान के, उन सब की मदद लेते हैं, केवल साहित्य नहीं, इसलिए साहित्य को उन्होंने उन सीमाओं से बाहर निकाला। समाजशास्त्र, साहित्य का समाजशास्त्र बाकायदा उन्होंने कोर्स में शामिल किया, जो बाद में और विश्वविद्यालयों में भी शामिल हुआ, पर इसकी पहल उन्होंने करी थी। तो ये जो है एक बड़ा काम, उन्होंने साहित्य की शिक्षा का पूरा पाठ्यक्रम बदला, नए तरह से उसका निर्धारण किया, नए तरह से पाठ्य पुस्तकों के चयन का एक मापदंड बनाया कि पाठ्य पुस्तकों का चयन किस आधार पर हुआ, उसका पाठ्यक्रम से क्या कोरिलेशन होना चाहिए, टेक्स्ट बुक का करिकुलम से क्या कोरिलेशन हो, एक साइंटिफिक जो सहसंबंध है उसको उन्होंने स्थापित किया।
ये नहीं है कि मनमर्जी से किसी को उपरत करने के लिए किसी किताब लगा दी कोर्स, है ना। ये जो है ये सब जो हो रहा है साहित्य में, जिस साहित्य के शिक्षण में जितने भी घपलेबाजी है, जिसको हम आप सब जगह जगह सुनते रहते हैं, क्योंकि अधिकांश साहित्यकार उच्च शिक्षा में शिक्षक हैं और उनके अनुभव वो हम लोगों को सुनाते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। दुर्भाग्य ये है कि क्यों नहीं नामवर जी ने जो इसमें भी जो प्रतिमान खड़े किए हैं साहित्य शिक्षा में, उनके जो प्रतिमान हैं आलोचना के प्रतिमानों की तो हम बात करते हैं, इनकी दुर्भाग्य से हम बात नहीं करते और इनकी प्रतिष्ठा के लिए उतने लड़ते भी नहीं है, उतना संघर्ष भी नहीं करते। ये एक बड़ी दुखद स्थिति हमारे साथ है। रिसर्च के लिए शोध, है ना, शोध को लेकर के भी बड़ा हाहाकार मचा रहता है कि हमारा शोध जो है विश्व स्तर की तो क्या बात करें, है ना, किसी स्तर का नहीं है। ये खुद विश्वविद्यालयों के लोग स्वीकार करते हैं, है ना। नामवर जी ने जो शोध वहाँ हुआ उसको विश्व स्तर का दर्जा दिया, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया। इसलिए उनके शिष्यों में से जो कई सारे लोगों के रिसर्च विश्व स्तर के पेपर्स में छपे, उनको विश्व स्तर की हैसियत मिली, बाहर के विश्वविद्यालयों में गए, वहाँ उनको उस तरह के काम मिले, ये सब उनका हुआ। और शिक्षकों का चयन, उस चयन के भी जो मापदंड थे, उससे पहले भी सब ये कहा जाता है कि सब सारे जो जितने भी हिंदी आलोचना के जो ज़्यादातर लोग हैं वो प्रोफेसर भी थे हिंदी के ज़्यादातर, और उन्होंने शिक्षकों की भर्ती की है विश्वविद्यालयों में, तो उनके ज़्यादातर लोग जानते हैं उनको। और कांति कुमार जैन ने इस तरह के बहुत सारे संस्मरण लिखे हैं, आप उनकी किताबें पढ़ें तो, कि उनमें किस किस तरह की चीज़ें चलती रहती थी। और सबसे ज़्यादा जो है नामवर जी से ठीक पहले सबसे ज़्यादा जो नियुक्तियाँ की थी वो डॉक्टर नगेंद्र ने की थी, और किन लोगों की थी, कैसे की थी, ये सारा अब किससे बहुत मशहूर हो चुके हैं। नामवर जी ने भी बहुत सारे लोगों के संरक्षण किए, लेकिन उनकी जो कोशिशें हैं, है ना, पूरे सिस्टम को एक आदमी नहीं बदल सकता, सिस्टम बहुत जंग खाया हुआ सिस्टम था, इसको बदलने के लिए मुझे लगता है कि कई सारे नामवर जी की ज़रूरत है, ये कोई नहीं बदल सकता। फिर भी उन्होंने जो कोशिशें की हैं वो कोशिशें अपने आप में बहुत उल्लेखनीय, बहुत जगह जगह उन्होंने जहाँ कोशिश की कि सिलेक्शन प्रतिभा पर आधारित हों, योग्यता पर आधारित हों। और यही नहीं, UGC में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में, वहाँ जो वहाँ की कमेटियों में रहे, वहाँ भी उन्होंने इस चीज़ को प्रभावित करने की कोशिश की कि किस तरह से स्तर को तोला जाए, स्तर के हिसाब से ग्रांट्स जाएं। और UPSC में, जो सबसे बड़ा देश का लोक सेवा आयोग है, वहाँ जो साहित्य की परीक्षाएं होती थी उनके जो करिकुलम हैं उनको आप देखेंगे कि इसलिए जो है जो उस समय तैयारी करते थे IAS वगैरह बनने के लिए और हिंदी साहित्य को लेते थे, उस साहित्य के लिए ज़्यादातर वो JNU के पाठ्यक्रम की किताबों को लिखाते थे, है ना। दिल्ली में भी इसलिए जाके वो, ये बागड़ी जी ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं, बागड़ी जी को पता भी नहीं होगा कि उसका कारण ये है कि दिल्ली में जो इसका सेंटर बना इसलिए कि वो ज़्यादातर वहाँ से चीज़ें वो उपलब्ध थी जिनकी तैयारी करा सकते थे, उस तरह के टेस्ट वो करिकुलम, क्योंकि वो उससे मैच खाता था JNU के पाठ्यक्रम से, जो UPSC में साहित्य की जो परीक्षा ली जाती थी उसका एक तरह का साम्य था। तो ये कुछ चीज़ें उनके इस आयाम के बारे में। अब मैं आखिरी वाले चीज़ पे आता हूँ कि जो पब्लिक स्फीयर में विश्वविद्यालयों से बाहर साहित्य की बात करना कितनी होती है। आप देखिए कि साहित्य लेकर को लेकर के चर्चा स्कूलों में तो लगभग ना के बराबर होती है, बहुत अनुष्ठानिक होती है, कभी कोई प्रेमचंद जयंती, निराला जयंती, उसमें बच्चों से कह दिया कुछ कविताएँ सुना दो, ये कर दो, उसमें भी कोशिश ये करते हैं कि दूसरों की कविता ही पढ़ के सुना दो आप, है ना, यही कर दिया तो बच्चों को काफ़ी वाहवाही शाबाशी मिल जाती है। बहुत गंभीर चीज़ें हमारे यहाँ स्कूलों में साहित्य को लेकर उतनी ज़्यादा नहीं होती। विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है वो भी आप अच्छे से जान सकते हो। विश्वविद्यालयों में नामवर जी के क्या प्रयास रहे वो मैं आपको बता चुका हूँ। विश्वविद्यालय से बाहर साहित्य की क्या बातचीत, तो विश्वविद्यालय के बाहर क्या बचता है, बाहर बचती है साहित्य अकादमी से लेकर के जो भारत की साहित्य अकादमी है दिल्ली में, फिर अलग अलग राज्यों की साहित्य अकादमियाँ हैं वो हैं, कुछ जो है गैर सरकारी संस्थाएँ अलग अलग जगह पर, नागरी प्रचार सभा,
और क्या बोलते हैं राष्ट्रभाषा प्रचार समितियाँ, इस तरह की संस्थान हैं। कुछ जो विश्व जो अलग अलग जगहों पर जो बड़ी लाइब्रेरीज हैं, पहले बहुत एक्टिविटी कराती थी लाइब्रेरीज, जो पुस्तकालय थे वो अपने आप में एक जमाने में गतिविधि के केंद्र थे। तो इस तरह की जो सभा सोसाइटियाँ और पत्रिकाएँ, तो सबसे पहले अपन पत्रिकाओं की बात करें तो पत्रिकाओं में देखें तो नामवर जी ने लंबे समय तक आलोचना का संपादन किया, आलोचना पत्र का राजकमल से निकलती थी, राजकमल ने उनको बड़े सम्मान के साथ बुलाया और आलोचना पत्रिका को कई दशक तक उन्होंने निकाला। और आलोचना पत्रिका में आप देखेंगे कि जो देश विदेश पर जो साहित्यिक डिस्कोर्स हो रहा है किसी भी भाषा में, उस सब की झलक आपको आलोचना से मिलती थी। इस तरह की पत्रिका उन्होंने अपने आप में खड़ी की। और बाकी जो पत्रिकाओं में खुद रामवर जी ने दूसरी तमाम पत्रिकाओं में लिखा, उनमें भी यही कोशिश की कि वो भी उस स्तर की स्तरीय पत्रिकाएं बने हमेशा। तो और मैं यहाँ बता दूँ इसमें कि 1969 में आलोचना का एक अंक निकला है, विश्वविद्यालय और साहित्य शिक्षण, इस पर विशेष अंक रामवर जी के संपादन, विश्वविद्यालय और साहित्य शिक्षण। मैं जब ये खोज रहा था तो मैं चकित रह गया कि इस पर नामवर जी ने बाकायदा अंक निकाला है, है ना। उनका जो प्रयास था वह सुचिंतित और सुनियोजित प्रयास था, ये कोई स्वतः स्फूर्त प्रयास नहीं था, स्पॉन्टेनियस प्रयास नहीं था, सुनियोजित सुचिंतित प्रयास था कि इसकी तस्वीर बदले ये। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसको हम लगभग भुला, ये तो नहीं कह सकता कि भुला दिया, क्योंकि उनके जितने भी उनके साथ से निकले हुए हैं वो सब उसकी चिंता करते हैं, उसकी बात करते हैं, पर वो उन दिनों की यादों में खो जाते हैं। भविष्य को, भविष्य में हम उसको लेके क्या कर सकते हैं, इस पे जो कन्विक्शन है वो मुझे लगता है उतना दिखाई नहीं देता जितना दिखाई देना चाहिए। तो ये तब, और ये तब तक नहीं हो सकता, विश्वविद्यालयों में शिक्षा तब तक नहीं सुधर सकती जब तक पब्लिक डोमेन से उन पर दबाव नहीं पड़ता, जनता की तरफ से, हम लोगों की तरफ से एक सामाजिक प्रेशर नहीं बिल्ड होता है इस पर कि इसको सुधारिए आप, ठीक ठाक करिए इसको आप, अन्यथा हमारे बच्चों का भविष्य चौपट हो जाएगा, काय का साहित्य पढ़ेंगे, और काय के साहित्य में जहाँ नौकरियाँ भी करेंगे तो वहाँ क्या करेंगे। और हो रहा है इस तरह का, आप देखिए तमाम जो विश्वविद्यालय हैं उसमें जो हिंदी फैकल्टीज हैं उनको बच्चे नहीं मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, आता ही नहीं कोई, वहाँ वो देखते हैं करियर ही नहीं है। तो उस सबको आप देखिए कि जो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है वहाँ जो साहित्य का वो करिकुलम बना, नामवर जी ने सबसे पहले उसका ब्लू प्रिंट तैयार कराया था, उसको उसमें उन्होंने अप्लाइड लैंग्वेज किया, उसको अप्लाइड लिटरेचर किया कि ताकि साहित्य पढ़ के भाषा पढ़ के ये बच्चे नौकरी पा सकें ओपन स्कूल में। तो इसको जन क्षेत्र में भी उन्होंने कहा कि जन क्षेत्र में जब तक हमारे समाज की साहित्यिक अभिरुचि नहीं बढ़ेगी तब तक ये समाज साहित्य के भविष्य के साथ जुड़ नहीं सकता। तो उसमें जो उनका योगदान है कि हम लोग ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा व्याख्यान देने वाले व्यक्ति नामवर जी हैं, पर मैं इनको दूसरे एंगल से देखता हूँ, इस ये तो है ही, पर इसके साथ एक और चीज़ जोड़ कर देखिए आप, नामवर जी सबसे ज़्यादा भ्रमण करने वाले व्यक्ति हैं, और उनका जो भ्रमण का क्षेत्र है वो पूरा भारत है, नॉर्थ ईस्ट, है ना, जो नॉर्थ ईस्ट है जो उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है भारत का, जिसमें हमारी आवाजाही सबसे कम होती है, है ना। और अभी भी आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा जो, एक तो हिंदी पढ़ाना वहाँ, और हिंदी पढ़ाने वाले कौन लोग हैं वहाँ जाके देखिए आप, वो ज़्यादातर JNU से निकले हुए लोग हैं अधिकांश। और तो नामवर जी JNU वहाँ नॉर्थ ईस्ट गए, साउथ दक्षिण भारत नामवर जी बार बार गए, भारत का आप नक्शा बना करके देख लीजिए, और नामवर जी की यात्राएं उन्होंने कोई रिकॉर्ड तो रखा नहीं, है ना, लेकिन मोटा मोटी जो इम्प्रेशन है जितना लोग बताते हैं उनसे, आप नक्शे में से उनकी आवाजाही आप नोट करेंगे तो पूरे नक्शे में उन लाइनों से भर जाएगा। तो यायावरी के लिए सबसे ज़्यादा जो माने जाते हैं हमारे हिंदी साहित्य में वो माने जाते हैं राहुल जी, राहुल शंकरतया। उसके बाद यायावरी में हम जोड़ते हैं तो बाबा नागार्जुन को जोड़ते हैं। राहुल जी एक अनुसंधान के लिए यात्रा कर रहे थे
बाबा नागार्जुन अपनी मौज में यात्राएं करते थे, अपने फक्कड़पन में यात्रा करते थे। उनका फक्कड़पन का भी अपना महत्व है, कवि की मौज है, और उसका जो प्रतिबिंब मैंने हम उनकी कविताओं में देखते हैं। नामवर जी की यात्राएं राहुल जी की तरह से ही, राहुल जी का रिसर्च हम पूरे हिंदी समाज के लिए अलग से काम आया, नामवर जी की यात्राओं ने पूरे उसमें जो पुरानी परंपरा थी, जो सुनने की परंपरा, जो बोलने की परंपरा, जो और शास्त्रार्थ की परंपरा, उस परंपरा को एक तरह से पुनर्जीवित किया। वो ताकत थी भारत की। भारतीय इतिहास में आप देखिए शास्त्रार्थ की परंपरा कितनी पुरानी है। यहाँ शास्त्रार्थ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, वो फला विद्वान शास्त्रार्थ में उसको हरा रहा है तो, और वो स्वीकार कर रहा है अपनी हार को। तो ये जो पूरा एक डिस्कोर्स था उसको उन्होंने पुनर्जीवित किया। तो ये एक सर्वाधिक यात्रा करने वाले व्यक्ति, और यात्रा में कष्ट तो होता है आप जानते हैं, ये सब उन्होंने इस सब को कष्ट की परवाह नहीं की कभी, और उन्होंने जगह जगह जाकर के व्याख्यान दिए। अब वो व्याख्यान जितने मिले हैं लगातार आप देखेंगे कि उनका जो संकलन थोड़ा हुआ है, अभी जो नामवर जी का आप सब जगह मौजूद है इंडेक्स के, उनका कितना काम है, कितनी किताब है, तो वो आप देखेंगे बाद में जो दूसरे लोगों ने तैयार किए नामवर जी के व्याख्यानों को संकलित किया है, उनके साक्षात्कारों को संकलित किया है, उनकी संख्या उनकी जो मूल जो सीधे सीधे लिखी किताब है उनसे कहीं ज़्यादा है। बाद बाद संवाद के बाद में, और जो बाद बाद संवाद है उसमें भी उनके लिखे हुए लेख, पढ़े हुए पर्चे बहुत कम हैं, ज़्यादातर व्याख्यान ही हैं, पर वो उन्होंने खुद अपने हाथ से निकाला है, उसको वापस से एक एक चीज़ को देखा है, उसके बाद देखी दूसरी चीज़ें भी हैं, पर दूसरों ने संकलन जो किए उनकी संख्या उनके जो लिखे हुए से ज़्यादा है। और अभी भी उनके जितने व्याख्यान हैं वो सब तो कभी मिलेंगे ही नहीं, जितने व्याख्यान उन्होंने दिए, पर वो जितने मिल भी जाते हैं तो उनकी संख्या आप जोड़ेंगे तो एक अलग तरह का उनका अवदान, क्योंकि उनके कभी भी व्याख्यान, एक व्याख्यान कभी भी दूसरे व्याख्यान की कॉपी नहीं होता था। अगर समान टॉपिक को कबीर पर ही बोलना है तो कबीर पर यहाँ जो बोला है वो भिन्न होगा, और अगर उन्होंने अगले दिन किसी दूसरे शहर में जाके बोला है, जयपुर में बोला है, और अगले दिन मान लीजिए वो अलवर में जाके बोलते हैं तो अलवर का व्याख्यान बिल्कुल भिन्न होगा। तो इतनी भिन्न भिन्न तरह के उनके काम रहे, तो एक पब्लिक स्पीयर में इस तरह से उन्होंने साहित्य की प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश की, उस पूरी परंपरा को विकसित किया, लोगों को साहित्य को उन्मुख किया, नए रचनाकारों को मोटिवेट किया, प्रेरणा दी उनको, उनसे संवाद बनाया। और पुस्तकालयों के लिए देखेंगे आप, क्या पुस्तकालय में जाएं किसी में भी और वहाँ किताबों के रैक में जा कर के देखें, अभी भी आपको बहुत सारी किताबों पर एक रैपर लगा मिलेगा, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय कलकत्ता से, और जो अनुदान में दी हुई किताब, बहुत सारी किताबें देश भर की जो पुस्तकालय हैं उनके लिए अनुदान में प्राप्त वहाँ से होती है। वो एक नोडल बॉडी है पूरे भारत के लिए जो खरीद करती है, और उसकी जो खरीद कमेटी के नामवर जी लंबे समय तक चेयरमैन रहे, तो उस वहाँ से खरीदी हुई किताब जो विभिन्न पुस्तकालय में गई, किसी को भी आप जो वो जो रैपर लगा हुआ है, कुछ का रैपर फट गया होगा लेकिन जो रैपर अभी बहुतों में लगे आपको मिल जाएंगे, कुछ में वो चिपका हुआ रहता है रैपर, कुछ में शायद सील लगी रहती है, कोई भी किताब आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसके बारे में आप क्वेश्चन कर सकें कि ये किताब इस तरह नहीं है। तो बेहतरीन साहित्य को मैंने तो कुछ दिन बाद उसको मान लिया था कि राजाराम मोहन राय का रैपर लगा हुआ किताब अच्छी होगी, और मैं उसको पढ़ता था। ये तो मुझे बरसों बाद पता चला कि वहाँ की जो खरीद है उसमें नामवर जी हुआ करते थे। तो वो एक काम है। फिर उसके बाद आलोचना पत्रिका का मैंने आपको बता ही दिया, उन्होंने लगातार जिन संस्थाओं से उनका जुड़ाव रहा, थोड़ा बहुत भी जुड़ाव रहा, उसमें कोशिश की कि वो संस्थाएं पारदर्शी हों, उनमें जो कुछ भी चल रहा है उसकी प्रक्रिया पारदर्शी हो, उनमें अकाउंटेबिलिटी हो, और जनता से उसका एक जीवंत रिश्ता बने। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो नामवर जी के इन तीनों आयामों से जुड़ी हुई मैंने आपके सामने रखी हैं, और इन तीनों आयामों से एक मुकम्मल नामवर जी का व्यक्तित्व बनता है। और भी आयाम हो सकते हैं, जैसे पत्रकारिता का है, वो उस पर बात नहीं कर रहा क्योंकि पत्रकारिता में मेरा उतना दखल है भी नहीं कि उस तरह से उनके अवदान को देख सकूं। पर आप देखिए कि दिल्ली में आके सबसे पहले जो दिल्ली आए थे तो उन्होंने जनयोग अखबार
को ज्वाइन किया था और जनयुग अखबार में उस समय बहुत सारे बड़े कवियों की पहली दूसरी रचनाएं छपी और कुछ समय तक वो सहारा के सलाहकार संपादक रहे। तब आप सहारा के जो सप्लीमेंट देखेंगे वो अलग तरह के सप्लीमेंट है, तो नामवर जी ने वहाँ भी वो एक पक्ष रहा है, पर उनमें मैं नहीं जा रहा, उनमें और दूसरे लोग मेरे से बेहतर ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी उनके, उसको जो पकड़ने की कोशिश करते हैं कि नामवर जी का, तो वो ये है कि इतने लंबे समय तक सक्रियता, 6-7 दशक तक की सक्रियता, और ऐसी सक्रियता जिसमें कोई डिक्लाइन नहीं आता, जिसमें कभी कोई गिरावट नहीं आती, है ना। और मैंने कहा कि वो सिर्फ ऊपर नहीं जा रहा है, वो आसपास भी फैल रहा है, विस्तारित भी हो रहा है, इसलिए हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों तरफ से वो सघन होता जाता है। इसके पीछे क्या चीज़ थी? तो उनके जो लिखने वाले हैं, जो उन्होंने अलग अलग लेखों में लिखा है, वो एक चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक जो चीज़ मेरे सामने आई, मैंने एक रेखांकित कर लिया कि ज्ञान के लिए जो वो अपने अस्मिता की खोज को ज्ञान से जोड़ते हैं, कि ज्ञान है जो उस अस्मिता को मीनिंग देगा, अर्थ देगा, और इसके इसमें वो मानते हैं कि इसके लिए लगातार जिज्ञासा बने रहना, निरंतर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, क्वेश्चनिंग, प्रश्नाकुलता, ये उसको आधार बनाते हैं, और ये प्रश्नाकुलता उन्हें सक्रिय बनाए रखती है। जब उसके जवाब मिलते हैं, उस जवाब को वो किसी व्याख्यान के जरिए, चर्चा के जरिए लोगों से शेयर करते हैं, और ये प्रोसेस उनका लगातार पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। तो ये मेरे लिए, मैंने कोशिश किया आपसे कि मेरे लिए नामवर जी के होने का क्या अर्थ है, और जिस व्यक्तित्व के इतने आयाम हैं, इतना डायनेमिक है, वो व्यक्तित्व निश्चित रूप से बहुत सिखाने वाला है। और ये बात मैं आखिर में आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैंने जो लिखना शुरू किया और उससे अब तक जो लिखता आ रहा हूँ, उसमें से अधिकांश में मैंने नामवर जी की असहमति में लिखा है, और जो अधिकांश से कम है जहाँ हम जाके जुड़ते हैं, तो जो पुरुषोत्तम जी या जो दूसरे कुछ और लोग हैं उनके साथ के, उनसे मेरा जुड़ाव बना, और इस तरह से मैं, और वो सब भी सहमति में नहीं थे नामवर जी की। फिर नामवर जी से जाके जुड़े तो कुछ बड़े कारण थे जिन पर नामवर जी ने हमें अपना आशीर्वाद भी दिया, तो उन्होंने कहा भी कि तुम देखो ऐसे आके जुड़े हो, है ना, तो मतलब एक मजाक में। और इस चीज़ का मैं समझ गया, तब तक मैं जान गया था कि नामवर जी असहमति को कितना प्यार करते हैं, कितना सम्मान करते हैं, तो और मैं उनके बारे में कह रहा हूँ, तो ये चीज़, ये इस चीज़ का एक खास मतलब होता है कि उनकी कितनी अपील हम सबके लिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं आपकी टिप्पणियाँ के रेस्पॉन्स नहीं कर पाया क्योंकि समय को मैं देख रहा था, उस समय में मैंने बात को पूरी करने की कोशिश की है, और इस पर जो भी आपकी ये टिप्पणियाँ आई हैं मैं आपको रेस्पॉन्ड करूँगा जल्दी। आपने बड़ी, इतने लोगों ने मेरे को सुना है और लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, ख़ास तौर से जनसरोकार मंच का और देवेंद्र जी का, कि उन्होंने लगभग एक तरह से मेरे पीछे पड़ गए, क्योंकि नामवर जी में बोलना है तो डर तो लगता ही है, तो मुझे भी कुछ तैयारी करनी पड़ी है, तैयारी के लिए मुझे ईमानदारी से देखा जाए 1.5 दिन मिला है, उसमें मैं सब पूरा रिकलेक्ट नहीं कर पाया अपने आप को, तो ज़रूर बहुत सारे, ये तो बस मैंने कहा कि आपको छेड़ा है, बस थोड़ी कोशिश की है कि आपको मैं नामवर जी को लेकर छेड़ूँ, ताकि आप खुद एक्टिवेट हो जाएँ, सक्रिय हो जाएँ, और वो आपको उस दिशा में लेके जाएगा। तो ये देवेंद्र जी ने कराया, ये अवसर मुझे दिया, मैं जन सरोकार मंच का, देवेंद्र जी का और आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप इस संवाद में शामिल हुए और मेरी हौसला अफजाई की है शामिल होकर के, बहुत बहुत धन्यवाद।